बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम पर हमलावर हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी उठ रही है। इन सब मुद्दों पर हमारे वरीय संवाददाता राजीव रंजन ने बिहार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से बात की। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, उनसे बात करते हैं यहाँ की राजनीति, यहाँ के रोड, यहाँ के बाढ़, सारी चीजों पर। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं पुल टूटने को लेकर के, सीएम को लेकर के। मैंने बता दिया है कि अपनी जिम्मेवारी का जो निर्वहन नहीं करते हैं, शोर कौन मचाते हैं बिहार की जनता जानती है। 5 वर्ष अवसर मिला, जिम्मेवारी क्यों नहीं निर्वहन किए? रख रखाव की पॉलिसी, कमजोर पुलों को चिन्हित कर करके उसके मरम्मति की व्यवस्था क्यों नहीं किए थे? आज तो मैं करवा रहा हूँ। अभी उनका हटा हुआ है, हटने के बाद तो जस्ट चुनाव आया है, अपनी जिम्मेवारी से भाग के ट्वीट करें। उनके माता पिता के पीरियड में जो पुल बना तो भ्रष्टाचार हुआ था, तो माता पिता को भ्रष्टाचारी कह करके उनको राष्ट्रीय पद से क्यों नहीं हटा रहे हैं? अरे जनता को बरगला रहे हैं, शर्म लगनी चाहिए। सच को नहीं स्वीकारना, लोगों को भटकाना, बरगलाना, ये गैर जिम्मेदार लोगों का काम है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी विषय को पूरी तथ्य और जिम्मेवारी से रखता है। पुल को लेकर के आप लोग एक नीति बनाने जा रहे हैं, पुराने पुल को लेकर के क्या नीति होगी, किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे कि आगे पुल ध्वस्त ना हो? हम लोग नीति ही नहीं बना रहे हैं, सारे पुल पुलिया का, कलवट का जो पथ निर्माण विभाग का पुल नहीं था, ये सारे पुल ग्रामीण कार्य विभाग का है। और उसका भी कब पीरियड बना है, किसके पीरियड में बना है, इसकी लोड क्षमता क्या है, इस पर लाइव लोड कितना पड़ सकता है, पूरी जानकारी लेकर के वहाँ बोर्ड लगवा करके और जो कमजोर है उसको फिर से मरम्मती या नए बनाने की व्यवस्था का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है। उस मॉनिटरिंग में ये सारे चीज निकाल रहे हैं। ये लोग तो सत्ता में बैठ करके सिर्फ मलाई के चक्कर में रहते थे, जनता के हित में काम किए रहते तो 15 साल माता पिता और 5-6 साल ये खुद 20-21 साल जिम्मेवारी से भाग जाते हैं। हम लोग जिम्मेवारी से नहीं, मेरी जिम्मेवारी है कि जनता के हित के लिए जो भी करने की जरूरत पड़ेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो सारी व्यवस्था बनेगी। बाढ़ का मॉनिटरिंग तो हो ही रहा है, लेकिन बाढ़ को लेकर के पथ निर्माण विभाग कितना सजग है और किस तरह पूरी तरह से हम लोग मॉनिटरिंग कर चुके हैं, पूरी सजगता है। प्राकृतिक आपदा से जूझने की बिहार हमेशा तैयारी करती है और सफल भी होती है। विशेष राज्य को दर्जा को लेकर के, चूंकि बजट आने वाला है तो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के मांग उठ रही है और विशेष पैकेज की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या आगे? बिहार विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का है, वो संकल्प पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। मनीष वर्मा को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, स्वागत है। बिहार का बेटा है, बिहार की धरती का सारे वातावरण से जुड़े हुए हैं, संगठनात्मक काम करेंगे। और कई लोग ऐसे पहले से भी आए हैं जो लोग बेहतर काम किए हैं। तो ये हमारे साथ थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जिन्होंने बहुत सारी बातों पर बेबाकी से बात की है। कैमरामैन श्याम के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।